टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शील फाटा खान कंपाउंड में रात करीब 2:30 बजे के आसपास भीषण आग लग गई। ये आग प्लास्टिक के एक गोदाम में लगी थी। खान कंपाउंड में रात के समय जब आग लगी तब ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे और आग लगने की घटना के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आग प्लास्टिक के एक गोदाम में लगी थी, इसलिए आग और भी भयानक रूप लेते हुए चली गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी और आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम बड़ी ही तेजी के साथ शुरू किया गया और आग पर काबू भी पा लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है और इस आग की घटना में किसी भी तरह की जानी नुकसान नहीं हुई है। आपको बता दें कि शील फाटा कल्याण फाटा के गोदामों में अक्सर आग लगने की घटना सामने आते रहती है। ज्यादातर आग लगने की वजह पता ही नहीं चल सकता है। इसी तरह से रात के समय खान कंपाउंड में प्लास्टिक के गोदाम में ये आग कैसे लगी इसका भी पता नहीं चल सका है। अब सवाल उठता है कि क्या इस गोदाम में आग लगी या फिर आग लगाई गई। बहरहाल ये जांच में ही सामने आएगा।